आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हरे रंग का प्रकाश पानी से वायु जल अंतःपृष्ठ पर क्रांतिक कोण से आपतित होता है। सही कथन चुनिए। पहला कथन है, दृश्य प्रकाश का वह स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से कम है, पानी से वायु के माध्यम से बाहर निकलेगा। दृश्य प्रकाश का वह स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से अधिक है, पानी से वायु के माध्यम में बाहर निकलेगा। तीसरा ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश का संपूर्ण स्पेक्ट्रम पानी से अभिलंब से विभिन्न कोणों पर बाहर निकलेगा। और चौथा कहता है, अभिलंब से 90 डिग्री कोण पर पानी से दृश्य प्रकाश का संपूर्ण स्पेक्ट्रम बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारी एक जल और वायु की सतह है, ठीक है ना। तो मान लीजिए नीचे जो है हमारा, यहां पर हमारा क्या है, जल, और ऊपर हमारी क्या है, वायु। ठीक है, ये जल वायु की सतह है, ये हमारी सतह है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक हमारी ये अभिलंब हो गया इसका, और दूसरा अभिलंब ये हो गया। यहां पर कोई स्रोत S है, ये क्या है हमारा स्रोत। ठीक, अभी स्रोत से निकलने वाली जो किरणें हैं जल की निचली सतह पर पड़ेंगी, और पड़ने के बाद क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, तो ये अभिलंब से दूर हटती हुई कुछ इस तरह से चली जाएंगी। ठीक है, अब मान लीजिए इससे दूसरी निकलने वाली जो किरण है वो कुछ इस तरह से जाएगी, और अब ये जो किरण है जब अपवर्तित हुई तो ये किरण कुछ इस तरह से चली जाएगी इधर। ठीक, तो अभिलंब के साथ जब हमारा 90 डिग्री कोण बने, उससे संबंधित आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, सी। सी क्या है हमारा, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि क्रांतिक कोण क्या होता है, वह आपतन कोण जिस पर हमारी अपवर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री बनाती है, वह हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है क्रांतिक कोण का, साइन सी बराबर विरल माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ विरल माध्यम हमारी वायु है, इसका अपवर्तनांक हो गया 1, और जल हमारा है तो उसका मान लीजिए म्यू है। तो यहाँ पे इस केस में हमें साइन सी का सूत्र पता चल गया, 1/μ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें पता चल गया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, स्पेक्ट्रम। अब हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम। तो हमें पता है जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, इसका जो श्रृंखला होती है वो किस तरह से होती है, विभ्योर के फॉर्म में, वी आई बी जी वाई ओ आर, मतलब लाल, नारंगी, पीला, इसी तरह हरा, नीला, बसंती और बैंगनी, इस तरह। तो यदि मैं इस दिशा में देखूं, इस दिशा में हमारा वेग बढ़ रहा है, ठीक है ना, इस दिशा में यदि मैं जाऊं तो हमारा वेग v और तरंग दैर्ध्य, क्या चीज, तरंग दैर्ध्य यानी के लैम्डा, ये क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, ये बढ़ेगा। और इस दिशा में हमारा
इस दिशा में हमारा अपवर्तनांक, क्या चीज? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को मान लीजिए हम लोग म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, कॉमा, ये क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि हरे रंग में यहां पर हमारा क्रांतिक कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? क्रांतिक कोण। ठीक, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो सकता है, यानी जिसके लिए म्यू का मान अधिक होगा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान कम होगा। तो हम जान रहे हैं कि हरे रंग के नीचे जितने भी हमारे ये तीन कलर हैं, कौन कौन सा, पीला, ऑरेंज और रेड, इनका जो म्यू है वो हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यदि म्यू कम होगा तो इनका जो क्रांतिक कोण सी है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो नीचे वाले तीनों में, इन तीनों में, येलो, ऑरेंज और रेड में, इसमें हमारी टी आई आर की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। टी आर की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी ये तीन कलर निकल नहीं पाएंगे। तो हम लिख सकते, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, कि हरे रंग से कम अपवर्तनांक, हरे रंग से कम अपवर्तनांक म्यू, तथा जिनका म्यू हमारा कम होगा उनका जो हमारा वी या लैम्डा होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं म्यू जो होता है वो वी के व्युत्क्रमानुपाती तथा लैम्डा के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिनका म्यू ज्यादा होगा उनका लैम्डा कम होगा, और जिनका म्यू कम होगा यानी के अपवर्तनांक कम होगा उनका लैम्डा क्या होगा? ज्यादा। तो हमने लिख दिया हरे रंग से कम अपवर्तनांक म्यू तथा अधिक तरंग दैर्घ्य वाले रंग नहीं निकल पाएंगे। ठीक है ना, मतलब हरे रंग से जिस कलर के अपवर्तनांक हमारे कम होंगे और तरंग दैर्घ्य हरे रंग से अधिक होगा वो हमारे नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है विलंब से 90 डिग्री कोण पर पानी के संपूर्ण प्रकाश निकलेगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ कलर नहीं निकल पा रहे हैं। दस प्रकार से संपूर्ण स्पेक्ट्रम पानी से निकलेगा, ये भी गलत हो गया। दूसरा कहता है दर्श प्रकाश का वह स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक है पानी के माध्यम से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। पहले कह रहा है दर्श प्रकाश का वह स्पेक्ट्रम जिसकी तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से कम है पानी से वायु के माध्यम में बाहर निकलेगा, तो ये वाला क्या हो गया आपका? सही, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।